राजस्थान में कौन बनाएगा सरकार, इस सवाल के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आ गया है। पायलट ने कहा है कि 2023 में जहां जहां चुनाव होंगे वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट ने यह भी कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो लाल डायरी का मुद्दा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे ढूंढते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। बड़ी अजीब बात है कि भाजपा केंद्र में सरकार में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में विफल है। ऐसी पार्टी जो ना सरकार चला पा रही दिल्ली में और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रही है, इस पार्टी को लोग नकारेंगे। जहाँ जहाँ भाजपा की डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में थी वो फेल हो गई, हिमाचल में थी वो फेल हो गई, कर्नाटक में थी वो फेल हो गई। जब डबल इंजन फेल हो रहा है तो सिंगल इंजन तो काम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, चारों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।